मुझे अफसोस है कि जिस सरकार को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी, कल असेंबली में शायद मुझे लगता है कि फ्लोर टेस्ट होगा, सरकार बचेगी कि नहीं बचेगी कल ये फैसला होगा। और आज ही आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब की सरकार ने एक निर्णय लिया कैबिनेट के अंदर कि औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव। यानी जहां भी थोड़ा मुस्लिम नज़र आता है, चाहे बीजेपी हो या हमारी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो बैसाखी पर चल रही है आदरणीय उद्धव जी के साथ, मुसलमानों को दरकिनार कर देना चाहते हैं। मुझे अफसोस है आज कि हम जिसका साथ दे रहे हैं, जो जिन्होंने कहा था कि हम 30 साल तक गलत लोगों के साथ थे, अब सेकुलर रहेंगे 30 साल तक कम से कम, वो आज आखिरी दिन ये काम कर रहे हैं। और उसमें ये भी है कि मराठा रिजर्वेशन जो रद्द हुआ है, उसमें जिन लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, नौकरियां जा रही हैं, उनके लिए कोई विधेयक लाएंगे। मुस्लिम आरक्षण रद्द हुआ है, जिनकी नौकरियों में हिस्सा कोई नहीं है, उनके लिए कोई बात नहीं। तो फर्क क्या है बीजेपी में और हमारे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में? मैं आदरणीय शरद पवार साहब से, आदरणीय सोनिया जी से मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार हमारे सपोर्ट से है और हम लोगों ने ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार को सपोर्ट दिया है। और ये सरकार अगर इस तरह कदम उठाए तो हम जाएं कहां? एक तरफ बीजेपी पूरे देश में सिर्फ हिंदू और मुस्लिम कर रही है, मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जहाँ इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी इस तरह जा रहे हैं। इस पर मैं कहना चाहता हूँ शरद पवार साहब को, अजीत पवार साहब को, अशोक चौहान साहब को, बाला साहब थोराट को कि सर जोड़कर बैठिए, क्या करें हम? बहुत गलत काम हो रहा है ये कि मुसलमानों को दरकिनार कर देना है। महाराष्ट्र में भी जो एक उम्मीद की किरण थी, वहां भी ये हो रहा है। अफसोस है मुझे, मैं निंदा करता हूं इसकी।